कैसे हाल चाल? अरे सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे। और इस चैप्टर 12 में से हमने पढ़ लिया था एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस में से भी पर्टिकुलरली हमने और क्या पढ़ लिया था, बीटिकोटन और इसके अलावा आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, ये दोनों ही तरीके के प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं और जिनको प्लांट टिश्यू कल्चर और इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, सो अभी बच्चों हम पढ़ेंगे मेडिकल एप्लीकेशंस। ओके, इसकी मेडिकल एप्लीकेशंस वी आर गोना स्टडी ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे SCID, या इसे आप बोल सकते हैं जीन थेरेपी। ठीक है, SCID एंड जीन थेरेपी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए उठा लेते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? दिस इज हार्मोन, और ये हार्मोन कहां से बनता है? फ्रॉम पेंक्रियास। ठीक है, पेंक्रियास में देखो, पेंक्रियास क्या है? एक ड्यूअल फंक्शनल ग्लैंड है। ड्यूअल फंक्शनल ग्लैंड का मतलब है कि ये डाइजेशन के लिए एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। तो इसका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही तरीके का सिस्टम होता है। पेंक्रियाज जो है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अब ये जो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, ये दो तरीके के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। एक है ग्लूकागॉन और दूसरा होता है इंसुलिन। ठीक है, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस से ग्लूकागॉन और इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। जो ग्लूकागॉन है, दिस इज फॉर मोर ग्लूकोज इन ब्लड, और जो इंसुलिन है ये होता है लेसर ग्लूकोज। यानी अगर ग्लूकोज ब्लड के अंदर हाई जा रही है तो ग्लूकोज को कम करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसुलिन। अगर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज जो है बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, सो ये जो ग्लूकोज है, अब ये जब भी हम खाना खाते हैं इसके बाद डायरेक्टली जो विलाई है उसको एब्जॉर्ब करेगी, और उसको फूड, जो भी फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हुआ है सबके सबको कहाँ भेज दिया जाता है? इनटू द ब्लड। ब्लड से वो जाता है लीवर में, और लीवर से वो पहुंचता है हार्ट में। लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन होती है, हार्ट में जाने के बाद वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जितने भी कॉम्प्लेक्स स्टार्च हैं या कॉम्प्लेक्स जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन सबको उनकी मोनोमेरिक फॉर्म में, एटलीस्ट मोनोमेरिक फॉर्म में या डायमेरिक फॉर्म में या ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में उन्हें ब्रेक डाउन करके ही ब्लड के अंदर भेजता है। कभी भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में या पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में उन्हें नहीं भेजता। ठीक है, या तो मोनोसैकेराइड या डायसैकेराइड,
मैक्सिमम ये मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड की कंडीशन होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मोनोसैकेराइड है वो ग्लूकोज और जो डाइसैकेराइड है वो माल्टोज, इसी फॉर्म में जो है ब्लड इनको अपटेक करता है। अब अगर ब्लड के अंदर बहुत सारी प्रेजेंट हैं, क्या चीजें, मोनोसैकेराइड बहुत सारे प्रेजेंट हैं, तो उससे क्या कंडीशंस बन सकती हैं, सेल जो है वो रेस्पायर ज्यादा करेंगे, और इस कंडीशन से अगर एनरोबिक कंडीशन बनती है तो लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बन सकता है। इसलिए जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज को ब्लड में नहीं रहने दिया जा सकता, ठीक है, क्योंकि सेल का काम क्या है, जब ग्लूकोज मिलेगा वो उसको तभी तोड़ेंगे, जब ग्लूकोज मिलेगा उसको तभी तोड़ेंगे, और अगर उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन बॉडी में नहीं है तो बॉडी फर्मेंटेशन करना स्टार्ट कर देती है। और फर्मेंटेशन से यानी यूकैरियोटिक सेल जो हैं, यानी हमारी बॉडी के सेल हैं, वो फर्मेंटेशन कर सकते हैं, बट फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड जो है बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। सो ये था इंसुलिन का फंक्शन। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है कि उनके अंदर इंसुलिन की जो जीन है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में काम करना बंद कर देती है, ठीक है। अब यहां पर दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है, या तो ग्लूकागोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और या इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, दोनों ही कंडीशंस में बंदा जो है डायबिटिक हो जाता है। डायबिटिक का मतलब क्या है, देखिए, अगर ग्लूकागोन ज्यादा है तो यह स्टोर्ड फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करेगा और ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज यानी हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकागोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइपरग्लाइसीमिया के लिए, यानी ब्लड के अंदर बहुत सारी ग्लूकोज प्रेजेंट होनी चाहिए, ग्लूकागोन इस बात को सपोर्ट करता है। इंसुलिन ग्लूकागोन से ऑपोजिट काम करता है, तो इंसुलिन जो है ये होता है हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। तो दो चीजों के बारे में पता चल गया, एक हाइपरग्लाइसीमिक, एक हाइपोग्लाइसीमिक। अब मोस्टली जो डायबिटीज मेलाइटस है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि ग्लूकोज ढंग से नहीं बन पा रहा, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक सेल लेते हैं, कहां से, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस से, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और जीन आइसोलेट करते हैं, आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन जीन। ये इंसुलिन की जीन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर हम डाल सकते हैं इकोलाई बैक्टीरिया में इन प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड में हम इंसुलिन की जीन को इंस्टॉल करके एंड देन वी हैव टू पुट इट इन द इकोलाई। अब इसमें प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस क्या हैं, मेजर चीजें क्या हैं, वो भी है, आपको मैं बता दूंगा साथ के साथ। सो ये जो इकोलाई है ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। नॉर्मली जो इंसुलिन है वो इकोलाई के किसी काम का नहीं होता, और नेटिव कंडीशंस में इस इकोलाई जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता और उसको जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। सो बट हमें जरूरत है, हम इसको प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो हम इसे रिलीज करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है ना बच्चों। तो प्लाज्मिड वेक्टर से हम जब इसे प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो देखिए आगे क्या कंडीशंस आती हैं। हमने प्रोड्यूस करवाया इंसुलिन, जैसे ही हम इंसुलिन प्रोड्यूस करवाएंगे बच्चों, तो यहां पर दो अप्रोच काम करती हैं। सबसे पहली अप्रोच है कंप्लीट इंसुलिन प्रोडक्शन, यानी इसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी इंसुलिन जो है वो हम बनाएं, इकोलाई हमें पूरी की पूरी इंसुलिन बनाकर दे। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। यहां पर तीन पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ए पेप्टाइड,
बी पेप्टाइड और यहां पर एक लिंकर पेप्टाइड होता है जिसे बोलते हैं सी पेप्टाइड। और ये ए और बी ये क्या हैं? ये हैं फंक्शनल पेप्टाइड्स, ठीक है। तो इनके बीच में होती है डायसल्फाइड बॉन्डिंग, यानी सल्फर सल्फर की बॉन्डिंग इस तरीके से। अब जब हमारी बॉडी के अंदर प्रो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तो वो इस जगह से लेके और इस जगह तक एक पेप्टाइड में प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद इसको डायसल्फाइड बॉन्डिंग दी जाती है, और डायसल्फाइड बॉन्डिंग देने के बाद में इस सी पेप्टाइड को काट कर निकाल दिया जाता है, यानी यहां से एक कट लगेगा और एक कट यहां से लगेगा, ये दोनों जो हैं वो बचे रह जाएंगे एंड दिस इज फंक्शनल इंसुलिन। बट बैक्टीरिया ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया जीन को तो फंक्शनली जीन के को का प्रोटीन बना सकता है, जीन का प्रोटीन बना सकता है बैक्टीरिया, बट उसकी पोस्ट मॉडिफिकेशन कैसी होगी वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है। अब बैक्टीरिया ये काम नहीं कर सकता। तो एक कंपनी आई थी यहां पर और इसका नाम था एली लिली, ठीक है, द कंपनी नेम्ड एली लिली। तो एली लिली ने क्या किया, इन्होंने ए पेप्टाइड की जीन और बी पेप्टाइड की जीन दोनों अलग अलग निकाल ली, ठीक है, दोनों को इन्हें अलग अलग निकाला। अलग अलग निकालने के बाद इन्होंने जो प्लाज्मिड बनाया उसके अंदर दोनों ही तरीके की जीन्स प्रेजेंट थी, दिस ब्लू वन फॉर ए पेप्टाइड एंड दिस पिंक वन फॉर बी पेप्टाइड। ये वेक्टर इन्होंने प्रोड्यूस किया और इस वेक्टर को अब ये डालते हैं इकोलाई में, ठीक है। इकोलाई के अंदर जब ये वेक्टर जाएगा तो यहां से अलग अलग प्रोड्यूस होंगे, ए पेप्टाइड अलग प्रोड्यूस होगा और बी पेप्टाइड अलग प्रोड्यूस होगा, यानी सी पेप्टाइड का यहां से मैटर जो है वो खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब अगर सी पेप्टाइड का मैटर खत्म कर दिया गया मतलब अब हमें पोस्ट मॉडिफिकेशन, जो ये पोस्ट मॉडिफिकेशन देना जरूरी था वो अब हम ये नहीं दे रहे, सिर्फ हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है कि कैसे ना कैसे इन दोनों के बीच में सल्फर बॉन्डिंग हो जाए। इसके लिए एली लिली कंपनी ने ही रिसर्च की और फिर उसके बाद में एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसकी वजह से ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड इन दोनों के सल्फर बॉन्डिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो यहां से ये सल्फर बॉन्डिंग आराम से करवा देते हैं, ये डायसल्फाइड बॉन्डिंग जब इनके बीच में हो जाती है, नाउ दिस इज मैच्योर इंसुलिन, यानी दिस इज फंक्शनल इंसुलिन। और इससे पहले क्या होता था, तो जो अर्लियर इंसुलिन थी, जब लोग डायबिटिक होते थे तो अर्लियर इंसुलिन जो है वो निकाली जाती थी र्यूमन के र्यूमन से। र्यूमन क्या होता है, जो हर्बीवोर होते हैं उन हर्बीवोर के स्टमक में, पेंक्रियाज में, उनके ब्लड में और उनके लीवर में इंसुलिन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल जाता था, ठीक है, र्यूमिनेंट्स जो होते हैं यानी हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म। अब उनको या तो मारना पड़ता है इंसुलिन निकालने के लिए, या उनको इस तरह की डाइट दी जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करे, उनका ब्लड निकालो वहां से इंसुलिन प्योरीफाई करो और प्योरिफिकेशन के बाद जो है हम मार्केट में उसको बेच सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट ओरिजिन, मतलब एनिमल है और इंसान है, दोनों के सेलुलर ओरिजिन अलग अलग हैं, इस वजह से जो इंसुलिन इंसानों के अंदर डाली जाती थी तो वहां पर एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। सो दिस इज द बेस्ट मेथड जिसकी हेल्प से एक ऐसी इंसुलिन प्रोड्यूस करवाई जा सकती है, सो दैट द प्रॉब्लम ऑफ अनआइडेंटिफाइड पेप्टाइड प्रेजेंट इन द बॉडी वो खत्म किया जा सके। अनआइडेंटिफाइड मतलब अब ये एक पेप्टाइड है यानी प्रोटीन है, एंटीजन्स भी प्रोटीन से बने होते हैं, बॉडी के अंदर मोस्टली जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं, तो बॉडी लगभग जितने प्रोटीन उसकी बॉडी ने
ठीक है, जितने भी प्रोटीन जो उसकी बॉडी ने प्रोड्यूस नहीं किए हैं सबको वो फॉरेन मटेरियल मानती है। दिस इज सिंपल। तो ऐसी कंडीशन में जो रूमिनेंट से, घोड़ों से, गधों से या जानवरों से या कटड़े बछड़े से जो इंसुलिन निकाली जाती थी वो प्रॉब्लमेटिक थी, और इसी वजह से उस इंसुलिन को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया गया, और ये मेथड जो है वो निकाल कर लेकर आते हैं। इसके बाद आती है बच्चों एक बात, SCID की। सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय SCID? देखिए SCID का मतलब होता है सीवियर कंपाउंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, या आप इसे दूसरा नाम दे सकते हैं कंबाइंड ठीक है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। मतलब क्या है, इम्यूनोडेफिशिएंसी है मतलब इम्यून सिस्टम जो है वो अपना एक्टिव वर्किंग नहीं कर पा रहा, एंड एक ही पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं बल्कि वो किसी भी डिजीज के लिए अपना एक्टिव फॉर्म शो नहीं कर पा रहा। सो दिस कंडीशन इज कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी SCID। इस SCID के लिए इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है एक पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम की डेफिशिएंसी जिसे बोलते हैं ADA डेफिशिएंसी। ठीक है, नाउ व्हाट दिस ADA डेफिशिएंसी इज, ADA का मतलब क्या होता है, दिस इज अमीनोसिन, एडिनोसिन डीएमिनेज। एज लगता है मतलब ये एक एंजाइम है, और इस एंजाइम की वर्किंग कहां होती है, फॉर प्रोलिफ्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ, फॉर प्रोलिफ्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन, लिम्फोसाइट का। ठीक है बच्चों, सो एडिनोसिन डीएमिनेज इसकी डेफिशिएंसी हो गई, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखो एडिनोसिन डीएमिनेज जो है ना वो प्रोड्यूस कौन करता है, ये प्रोड्यूस करते हैं बोन मैरो सेल्स। ठीक है, प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोन मैरो सेल्स की। अब बोन मैरो सेल्स ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीन थेरेपी देनी पड़ेगी। ठीक है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब क्या है कि हम ऐसे सेल्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं जिनके अंदर किसी न किसी तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब फॉर अ पर्टिकुलर जीन विच इज टू मच रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ बॉडी। एक ऐसी जीन जो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी चीज की फंक्शनैलिटी के लिए, बॉडी की फंक्शनैलिटी के लिए, और वो जीन प्रेजेंट नहीं है, या वो जीन जो है वो साइलेंट हो चुकी है, रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है। हम क्या कर सकते हैं, ऐसी जीन्स को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस कैसे करेंगे, हमने डिजीज्ड पर्सन था उसके अंदर से सेल्स आइसोलेट किए, इसके बाद हमने इसका एनिमल सेल लाइन बनाया, एनिमल सेल लाइन मतलब देखो बैक्टीरिया को बड़ी आराम से प्लेट्स पे ग्रो करवाया जा सकता है आर्टिफिशियल मीडियम में, इन सेल्स को ग्रो नहीं करवाया जा सकता क्योंकि ह्यूमन बॉडी सेल है और इनको एग्जैक्टली सेम टू सेम कंडीशंस चाहिए। ठीक है,
तो इनको थोड़ा सा तैयार करना या ग्रो करवाना मुश्किल है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड फंक्शंस और ऑपरेटर्स के लिए हम एनिमल सेल लाइन ग्रो करवाते हैं। एनिमल सेल लाइन जब प्रॉपरली ग्रो हो जाती है तो यहां से जो सेल हैं इनके अंदर हम रेट्रोवायरस की हेल्प से हम एक जीन डालते हैं, जो जीन किसकी है, एडीए जीन, ठीक है, रेट्रोवायरस प्लस एडीए की जीन को हम इन सेल्स के अंदर डालते हैं, ठीक है। इन सेल्स के अंदर डालने के बाद हमने इन सेल को फिर से एनिमल सेल लाइन पे ग्रो करवा दिया, ठीक है। और एनिमल सेल लाइन पे ग्रो करवाने के बाद हम इन्हें वापस डाल देते हैं इनटू द बोन मैरो, किसकी, डिजीज्ड पर्सन की, यानी एक सिंपल सा सर्कुलर स्ट्रक्चर है। अब ये जो एनिमल सेल लाइन है इसको हम कंटिन्यूअसली यहीं से आगे के जितने फंक्शंस है वो कैरी आउट कर सकते हैं कि यही एनिमल सेल, उसमें से कुछ सेल के अंदर हमने रेट्रोवायरस का इंफेक्शन किया, उन सेल्स को ट्रांसफॉर्म किया और यहां पर डाल दिया। अब देखिए एक चीज, मजे की बात यह है कि जब भी एक बच्चा या कोई भी जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसके जो बॉडी के सेल्स हैं उनको डिफरेंशिएट करना आसान काम नहीं है। अगर कोई भी बॉडी का हिस्सा लीवर को छोड़कर परमानेंटली डैमेज हो जाता है तो वो रिकवरी नहीं कर सकता। एक ही केस में रिकवरी हो सकती है अगर स्टेम सेल्स प्रेजेंट हो। अब स्टेम सेल क्या होते हैं, स्टेम सेल ना कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को बना सकते हैं, ठीक है। वो खुद नॉर्मल सेल्स होते हैं, बहुत जैसे आपकी बॉडी के ग्रोइंग सेल्स हैं वही सेल्स होते हैं, बट उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोबारा से पूरी बॉडी को जनरेट करने के लिए अगर उनको कंडीशंस मिले, बट वो कंडीशन पैदा करना पॉसिबल नहीं है तो हम स्टेम सेल से नया इंसान नहीं बना सकते, ठीक है। बट उन सेल्स को हम इस तरह से इम्प्लांट कर सकते हैं किसी भी पर्सन के अंदर कि वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन की को रिकवर करवा सकती है, बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो हमने जो ये सेल लिए थे इन सेल्स को हमने बोन मैरो के अंदर ट्रांसप्लांट किया, कुछ टाइम तक तो ये डिजीज्ड पर्सन को एडीए देते रहेंगे, बट चूंकि ये सेल्स डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, ये सेल जो है इमोर्टल नहीं है, मतलब ये सेल पूरी जिंदगी उसके बोन मैरो में नहीं रह सकते, सो ये सेल जो है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम सेल जो है वो मर जाते हैं, और जैसे ही सेल मर जाएंगे एडीए की डेफिशिएंसी फिर से हो जाएगी तो हम यहीं से प्रोसेस को दोबारा शुरू कर लेते हैं, ठीक है, और डिजीज्ड पर्सन में फिर से एडीए मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर दो कंडीशंस आती हैं आपके पास। कंडीशन नंबर एक, एम्ब्रियोनल स्टेज, मतलब जब एक बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में होता है, फीटस में नहीं एम्ब्रियो स्टेज में होता है, ठीक है, हम उसके कुछ सेल्स को बाहर निकालते हैं एनिमल सेल मास में से, ठीक है, याद है एनिमल सेल मास कैसे बनता है, तो ये आउटर ट्रोफोब्लास्ट और यहां पर एनिमल सेल मास बनता है ना, याद है स्ट्रक्चर। सो ये वही स्ट्रक्चर है, अगर इस एनिमल सेल मास में से मैं कुछ सेल्स को निकालूं और उसका कैरियोटाइपिंग करवाऊं, यानी उसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और उसकी जेनेटिक जीनोटाइपिंग करवाऊं तो मुझे यह पता चल जाएगा कि कौन सी जीन में डिफेक्ट है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम देख सकते हैं, और जेनेटिक डिसऑर्डर अगर हमें दिख गया तो इस एम्ब्रियोनल स्टेज के सेल्स को हम जीन थेरेपी दे सकते हैं। और ये जो जीन थेरेपी है ये कैसी होगी, परमानेंट होगी, ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियोनल सेल स्टेज में है, सारे के सारे सेल जो हैं वो स्टेम सेल्स हैं, अभी ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट नहीं हुआ है,
या बन भी गया है तो बहुत स्टार्टिंग के फेज में वो है, ठीक है। अब अगर ऐसे में सेल्स को हम इम्प्लांट कर सकते हैं, ठीक है, सेल्स को हमने निकाला और एनिमल सेल के अंदर हमने उन सेल्स को ठीक करके डाल दिया वापस से, तो ये सेल जो हमने डाले हैं, सपोज हमने ये सेल डाला है, तो ये सेल जो है बाकी सब सेल्स के साथ ग्रो करेगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, विदाउट जेनेटिक डिफेक्ट ग्रो करेगा, क्योंकि हमने इसके जेनेटिक डिफेक्ट को रिमूव कर दिया, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ये जो इलाज है ये परमानेंट हो सकता है, जीन थेरेपी परमानेंट हो सकती है, अगर एम्ब्रियोनल स्टेज के बाद बच्चा फीटल स्टेज में आ जाता है, यानी फीटस बन जाता है, ठीक है। अब जैसे 6 महीने के बाद वो फीटल स्टेज में आ चुका है, वो सिर्फ उसकी बॉडी ग्रो कर रही है, उसके अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन सब हो चुकी है, तो उस टाइम के बाद में अगर हम जीन थेरेपी देते हैं तो वो परमानेंट नहीं होती, वो टेम्परेरी होती है। सो क्वेश्चन यहां से ये आएगा, एक बच्चा है और हम उसका एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम उसका एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस में हमें यह पता चला कि इसके अंदर एडीए डेफिशिएंसी है या कोई भी जीन जेनेटिक डेफिशिएंसी है, किसी भी तरह की कुछ भी हो सकता है, SCID is better term, ठीक है। तो amniocentesis में हमें पता चला कि SCID उस embryo को है amniocentesis के बाद में। तो अब अगर हम जीन थेरेपी करते हैं तो उस बच्चे को कितना इफेक्ट होगा, मतलब उसके लिए वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, अच्छी बात है, नहीं है, परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो हमेशा याद रखना, एम्ब्रियोनल स्टेज में दी गई जीन थेरेपी हमेशा क्या होती है, परमानेंट होती है, ठीक है बच्चों। ये थी बात SCID की। अब मेरे को बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है तो, अब इसमें आता है फर्स्ट चाइल्ड जिसको जीन थेरेपी दी गई थी, '90 में दी गई थी और किसको दी थी, एक 4-year-old गर्ल थी, एक 4 साल की लड़की थी, और ये SCID जो हमने डिस्कस किया ये उस लड़की की कंडीशंस थी। ठीक है जी, अंडरस्टूड बच्चों। ये तो बात थी दो चीजों की, इंसुलिन की और दूसरा ये, ओके। इसके बाद हम देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में दो तरीके की टेक्निक है, एक है PCR और दूसरा है ELISA, तीसरी इसमें एक एडिशनल है RT-PCR। तो PCR, ELISA और RT-PCR। PCR देखो, एक बॉडी है कोई भी, उसके अंदर कोई पैथोजन एंट्री करता है, ठीक है ना, 24 घंटे हम इधर उधर घूमते रहते हैं, एनवायरनमेंट के संपर्क में आते हैं, सब चीजें होती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पैथोजन एंट्री करते होंगे जो एक टाइम के बाद में सिम्टम शो करना शुरू करते हैं। मॉनसून के टाइम में जब मच्छर काटते हैं तो क्या मच्छर काटते ही मलेरिया हो जाता है, नहीं, मतलब जब एक पैथोजन बॉडी में घुसता है से लेके जब वो सिम्टम प्रोड्यूस करने स्टार्ट करता है, इसके बीच के पीरियड को बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। व्हाट इज दिस इनक्यूबेशन पीरियड? इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है कि वो बैक्टीरिया या वो फंगस या वो वायरस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, अभी आपकी बॉडी को उतना डैमेज होना स्टार्ट नहीं हुआ है जितना एक्चुअल डिजीज में होगा, ठीक है, जितना एक्चुअल डिजीज में होगा। तो
क्या जरूरी है? अब देखो बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जिनको जितना जल्दी हो रोक लिया जाए उतना ही फायदेमंद होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन तीनों की हेल्प से अर्ली डिटेक्शन ऑफ सीवियर डिजीजेस, इवन बिफोर सिम्प्टोमैटिक डायग्नोसिस। रुको, इवन बिफोर सिम्प्टोमैटिक डायग्नोसिस मतलब सिम्टम्स से डायग्नोस हो चीजें, बुखार चढ़ रही है, चिल्स आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ठंड लग के बुखार चढ़ जाती है, तो वो हमें मलेरिया के सिम्टम्स दिख रहे हैं बहुत साफ साफ, डेंगू के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो सिम्टोमैटिक डायग्नोसिस, सिम्टम्स की वजह से जब कोई चीज डायग्नोस होती है उसे सिम्टोमैटिक डायग्नोसिस बोलते हैं। और जब सिम्टोमैटिक डायग्नोसिस किसी भी बहुत एक्सट्रीमली डेंजरस डिजीज की अगर सिम्टम्स से डायग्नोसिस हो रही है तो उसका मतलब यह है कि चीजें हाथ से निकल चुकी हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अर्ली डिटेक्शन के लिए, जैसे कोरोना वायरस है, इसका जब भी टेस्ट होता है, मतलब आपको ये बोला गया कि आपके घर के पास में एक बंदा रहता था जो अभी दिल्ली से आया था और उसको कोरोना डिटेक्ट हुआ है, अगर उसको कोरोना डिटेक्ट हुआ है तो व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं, आपको सिम्टम्स अभी नहीं है बट आप टेस्ट करवा सकते हैं, तो उस टाइम कौन सा टेस्ट होगा, आरटीपीसीआर होगा, ठीक है। और आरटीपीसीआर टेस्ट में वो करेंगे क्या, तो वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो भी पॉसिबल प्राइमरी लोकेशन होती है ना बॉडी के अंदर, पॉसिबल प्राइमरी लोकेशन, जैसे कोरोना वायरस है तो वो कहां मिलता है, सबसे पहले गले में मिलता है, एड्स या एचआईवी का वायरस है वो सबसे पहले कहां मिलता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के सेल्स के अंदर मिलता है, हेपेटाइटिस का वायरस है वो सबसे पहले भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के सेल्स के अंदर मिलेगा, सिफिलिस का वायरस है, ये एसटीडीज है सारी, तो वो भी कहां मिलेगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सेल्स के अंदर मिलेगा, वहां से उन सेल्स को लिया जाता है, उन सेल्स को हम ब्रेक करते हैं, सेल आइसोलेशन ब्रेक, देन डाइजेशन, किसका, डीएनए का, डीएनए का डाइजेशन जब होगा तो ये फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, ठीक है, फ्रेगमेंट्स में ये कन्वर्ट हो गया। अब ये फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हुआ तो हमें इसमें से वो जीन ढूंढनी है जो रिस्पॉन्सिबल है वायरस के प्रोजेनी के लिए, मतलब देखो वायरस है एक, जैसे ये कोरोना वायरस होता है ना, इसके अंदर दो लिपिड बायलेयर्स होती हैं, या एचआईवी का वायरस भी कुछ ऐसा ही है, इसके अंदर दो लिपिड बायलेयर्स होती हैं, चलो एचआईवी का वायरस बना देते हैं इसको, ऐसा होता है एचआईवी का वायरस, ठीक है। इसके बाहर से ये है एक पेप्टिडोग्लाइकेन, नॉट पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टाइडल लेयर या टेट्राहेड्रल या यू कैन से द प्रोटीनेशियस कोट, इसके बाद ये है इसका लिपिड कोट, इसके अंदर आरएनए, और ये दो एंजाइम्स हैं। तो याद है मैंने कल या परसों जब मैं वायरस की लाइफ साइकिल करवा रहा था तो एक चीज बताई थी कि वायरस सबसे पहले बॉडी के अंदर घुसता है या यू कैन से आरएनए को, अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर एंट्री देता है, जैसे ही जेनेटिक मटेरियल अंदर एंटर कर जाता है ये जो एंजाइम्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, इस आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, और वो डीएनए जो है ह्यूमन के सेल के जीनोम के अंदर जाकर फिक्स हो जाता है। तो प्रोसेस क्या है, ये आरएनए, आरएनए से बनता है डीएनए, और डीएनए जो है वो जीनोमिक डीएनए के साथ एड अप हो जाता है, जीनोमिक डीएनए ऑफ सेल।
अब अगर हमने इस डाइजेशन दिया है इसे और इसकी सीक्वेंस के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, हमने एक वायरस को निकाला, उसके आरएनए को देखा, उसकी आरएनए की सीक्वेंसिंग करवाई और हमने सीक्वेंसिंग जो है वो साइड में रख ली। चलो ये है सीक्वेंस उसकी, मैं एटीजीसी से नहीं बट 1 2 3 4 से बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये उसके आरएनए की सीक्वेंस, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा दूसरा, सो 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेकंड स्ट्रैंड है, ठीक है। तो ये दो स्ट्रैंड में ये डीएनए बनता है, किससे बनता है, इस आरएनए से बनता है, इस आरएनए से। ये इस आरएनए का एक्चुअल स्ट्रैंड है और ये जब ऐसा बन जाता है तो ये क्या बनता है, दिस इज द डीएनए, और ये डीएनए का जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ये जीनोमिक डीएनए के साथ जाकर मिक्सअप हो जाता है। अब अगर आरएनए की सीक्वेंस मेरे पास प्रेजेंट है और ये एक जीन है जो क्या बना रही है, इन प्रोटीन्स को बना रही है, तो ऑब्वियसली इसकी फ्लैंकिंग रीजन्स पे होंगे और ऑब्वियसली इसके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट भी प्रेजेंट होंगे ऑन द बोथ ऑफ द साइट्स। सो यहां पर मैं बना देता हूं दो साइट, ये है इसके फ्लैंकिंग रीजन्स, दीज आर द फ्लैंकिंग रीजन्स, ठीक है बच्चों। अब मैंने इसे कटवा दिया किसी एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जैसे ही हम इसको कटवाएंगे, सपोज ये जो सीक्वेंस है ना, ये हमारी ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब मैं करवाता हूं इसका पीसीआर, पीसीआर से क्या होगा, इस जीन की एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी, हो गई जीन एम्प्लीफिकेशन, कौन सी, इस पर्टिकुलर जीन की जो एक्चुअली ये है, ठीक है। जो आइसोलेट किया था मैंने, सेल आइसोलेट किया था, उसका डीएनए डाइजेस्ट करवाया था, उसके अंदर मुझे क्या है अभी तक ये नहीं पता कि एक्चुअल जीन है या नहीं, मुझे एक जीन जो है वो इसके आइडेंटिफाइड, यानी इसका एक पर्टिकुलर साइज है, उस साइज के हिसाब की एक जीन मुझे यहां पर मिल जाती है। अभी मुझे ये ढूंढना है कि क्या वो एक्चुअली यही सीक्वेंस है या सीक्वेंस कुछ और है। अभी सिर्फ साइज के बेसिस पे हमने इसको आइसोलेट किया है, हम इसको पीसीआर में एम्पलीफाई करवाएंगे और फिर अगली आती है इसका ऑटो रेडियोग्राफ, ठीक है। क्या करवाते हम इसका ऑटो रेडियोग्राफ। ऑटो रेडियोग्राफ का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑटो रेडियोग्राफ, ये जो मशीन होती है ना, इसके अंदर हम दो चीजें डालते हैं, चीज नंबर एक, रेडियो लेबल्ड प्रोब, और चीज नंबर दो, जीन टू बी आइडेंटिफाइड। इस ऑटो रेडियोग्राफ के अंदर दो चीजें हम डाल देते हैं, रेडियो लेबल्ड प्रोब और जीन टू बी आइडेंटिफाइड। अब हमें यहां से यह पता है कि इस आरएनए का एक सीक्वेंस है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में की हम एक रेडियो एक्टिव प्रोब जो है उसको बना लेते हैं ऑलरेडी। तो हमारे पास अब चीजें क्या क्या है, देखो एक्चुअल आरएनए सीक्वेंस ऑफ वायरस, हमारे पास ये जानकारियां ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, एक्चुअल आरएनए सीक्वेंस ऑफ वायरस, फॉर्म्ड सीक्वेंस ऑफ डीएनए फ्रॉम वायरल आरएनए, रेडियो लेबल्ड प्रोब ऑफ
कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस किसके कॉम्प्लीमेंट्री, इसके कॉम्प्लीमेंट्री, रेडियो लेबल्ड प्रॉब। अब हमने करवाया था जीन को एम्पलीफाई, इसके साथ हम डालते हैं ये, आरएनए की प्रॉब। अगर इस जीन के कॉम्प्लीमेंट्री ये आरएनए रेडियो एक्टिव प्रोब है तब तो वो इसके साथ बाइंड कर जाएगी, क्योंकि डीएनए का नेचर क्या होता है, सेल्फ लाइगेशन का। जैसे ही हम दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को एक दूसरे के पास रखते हैं वो आपस में बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के चिपक जाती हैं, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के वो एक दूसरे के साथ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेती हैं। अगर ये और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इफ कॉम्प्लीमेंट्री, देन क्या होगा, देन क्या मिलेगा, इसमें जीन और जीन के अगेंस्ट रेडियो एक्टिव प्रोब, ठीक है। सो दिस इज आरए प्रोब एंड दिस इज जीन, ठीक है। अगर ये कंडीशन यहां बन जाती है तो है ठीक। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा, वॉशिंग। इसके बाद हम वॉशिंग देंगे। अगर वॉश करने से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हैं और ये कंडीशन बन गई तो वॉशिंग में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। मतलब वॉशिंग किस लिए होती है, जो भी अनबाइंडेड डीएनए है ना, जो डीएनए जो है बाइंड नहीं हुआ है वो सारा धुल जाए, वो चला जाए वहां से, ठीक है। अब ये क्या है, जीन के साथ इस रेडियोएक्टिव प्रोब की बाइंडिंग हो चुकी है, हो चुकी है, तो या तो पूरा का पूरा ये पूरा डीएनए ही साफ हो जाएगा और या कुछ भी साफ नहीं होगा। तो ये जो है ना, ये हमें मिल जाता है कि वॉशिंग हमने करी, वॉशिंग के बाद हमने इसकी रेडियो एक्टिविटी को चेक किया तो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो गई। तो मतलब ये जीन जो है इस रेडियो एक्टिव प्रॉब के कॉम्प्लीमेंट्री है, और अगर ये रेडियो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब बनाई किसके अगेंस्ट गई थी, सीक्वेंस ऑफ वायरल डीएनए। इससे हमें यह पता चल जाता है कि वायरस का डीएनए सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। बात आती है इफ नॉट, इफ नॉट देन ये कंडीशन नहीं होगी, और ये कंडीशन अगर नहीं होगी यानी ये वाली, तो वॉशिंग में जो रेडियो एक्टिव प्रॉब है वो वॉश ऑफ हो जाएगी, वो चली जाएगी और नो रेडियो एक्टिविटी, हेंस नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी, हेंस नो सीक्वेंस ऑफ डीएनए, हेंस नो आरएनए ऑफ वायरस, हेंस नो इन्फेक्शन, ठीक है। ये होता है पीसीआर। आरटीपीसीआर इज सेम एज पीसीआर। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम पीसीआर। आरटीपीसीआर इज RT-PCR क्या होता है, रियल टाइम PCR होता है बच्चों। और रियल टाइम PCR का क्या मतलब है कि यहां पर सब चीजें हो रही हैं, जीन एम्पलीफिकेशन भी इधर हो रहा है, RNA रेडियो एक्टिव प्रोब भी इसी के अंदर है, डिटेक्शन भी यही हो रही है, रिजल्ट भी हमें यही मिल रहे हैं, यानी हमें अलग अलग से काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो RT-PCR इज रियल टाइम PCR। अगला आता है बच्चों आपके पास ELISA। ठीक है, ELISA की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले ELISA की फुल फॉर्म
एंजाइम इम्यूनोसोर्बेंट एस्य, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एस्य, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। और इसमें प्रोसेस क्या होते हैं? इसमें प्रोसेस होगा, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी इसकी, रिक्वायरमेंट नंबर वन, ईदर एंटीजन ऑफ पैथोजन और एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एंटीजन ऑफ पैथोजन। यहां पर बच्चों दो चीजें हैं, या तो एंटीजन मिल जाए, पैथोजन का एंटीजन मिल जाए, और या इस पैथोजन के अगेंस्ट जो बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी है या वो मिल जाए, दोनों में से एक चीज। और इसका प्रिंसिपल यानी ये बेस्ड किस पे है, नहीं उससे पहले इसमें रिक्वायरमेंट में एक तीसरी चीज और आएगी बच्चों, तो वो तीसरी चीज होती है रिपोर्टर एंजाइम। या दिस इज क्रोमोजेनिक एंजाइम। मोस्टली क्या मेटाबॉलिक एंजाइम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें इसमें चाहिए होती हैं। प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है ये, तो इसका प्रिंसिपल रहता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अब देखो बच्चों, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है ना, जो कोई भी एंटीजन होता है उसका एक पर्टिकुलर क्या है, शेप होती है। सपोज ये है एंटीजन की शेप, और इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है कि वो इस एंटीजन को बाइंड कर सके। सो देखो, ये होती है एंटीबॉडी की शेप। ये है एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक प्लेट बनाते हैं। ठीक है, अब देखो एंटीजन हमने मिल तो गया, हमें कोई प्रोटीन मिला तो है ह्यूमन ब्लड से, बट हमें यह नहीं पता कि क्या ये उसी पैथोजन का ब्लड एंटीजन है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, या ये कोई भी एंटीजन हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस एंटीजन की कोई ना कोई काट ढूंढनी पड़ेगी, मतलब एंटीबॉडी ढूंढनी पड़ेगी। अब अगर हमारे पास एंटीजन है तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज जो हमारी लेबोरेटरी में हमने प्रिपेयर करी हैं या किसी दूसरे पर्सन से निकाल के हमने स्टोर करके रखी हुई हैं, वो चीज चाहिएगी। और अगर हमारे पास हमें ब्लड में से एंटीबॉडीज मिलती हैं तो हमें जिस पैथोजन के अगेंस्ट उन एंटीबॉडीज को चेक करना है, हमें उन पैथोजन का एंटीजन चाहिएगा। ठीक है, वो एंटीजन हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। अब जुगाड़ हो गया तो हम क्या करते हैं, एलाइजा की जो प्लेट होती है इसके अंदर बहुत सारे वेल्स बने होते हैं। ठीक है, इस तरह की होती है एलाइजा की प्लेट।
दिस इज एलाइजा टेस्ट प्लेट. नॉर्मली इसके अंदर जो है 81, 124 इस तरह से मतलब कुछ कुछ ये खड्डे होते हैं. एक बार में कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यहां कंसंट्रेशन भी चेक हो सकती है. सो कंसंट्रेशन पे पीसीआर और आरटीपीसीआर में वेदर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट का पता चलता है, और एलाइजा में प्रेजेंट है या नहीं इसके साथ साथ कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है वो भी पता चल सकता है. तो हर एक वेल में सपोज हमारे पास अवेलेबल था 1 antigen, कहां से? फ्रॉम ब्लड. एंटीजन फ्रॉम ब्लड. हमने क्या किया, इन एंटीजन्स को यहां पर हमने बाइंड करवा दिया, लाइगेट करवा दिया इन वेल्स के अंदर. ठीक है, ये एंटीजन्स की लाइगेशन हो चुकी है ना, दीज आर एंटीजन्स, पैथोजन के एंटीजन, एंटीजन ऑफ पैथोजन. ठीक है, अब हम डालते हैं इसके अंदर एंटीबॉडीज, बट उस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो आपको बता देता हूं. एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी? पैथोजन के एंटीजन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी यहां पर डालते हैं. उस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बच्चों कैसा होता है? ये तो हो गया एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के ऊपर यहां पर हमने एक एंजाइम लगाया हुआ है, और ये है रिपोर्टर एंजाइम. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे. तो यहां से दो कंडीशन बनती हैं, एंटीजन इज स्पेसिफिक, यानी ये वही एंटीजन है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, यानी जो जिसके खिलाफ हमने यहां एंटीबॉडीज डाली हैं. और कंडीशन नंबर दो, एंटीजन नॉट स्पेसिफिक. तो एंटीबॉडीज हम इसके अंदर डालते हैं, अगर तो ये एंटीबॉडी जो है यहां पर बाइंड कर जाती है, कर गई बाइंड, बाइंड करेगी मतलब रिपोर्टर एंजाइम भी इसके ऊपर ही है. ठीक है, अब हम देते हैं इसको वॉशिंग. इस प्लेट को क्या करते हैं? वॉशिंग करते हैं. अगर वॉशिंग करने की वजह से जो एंटीबॉडीज हमने डाली हैं वो इनके साथ बाइंड हो गई, तो वॉशिंग में कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा. जो एंटीबॉडीज थी वो ऑलरेडी यहीं पर प्रेजेंट है, इनके साथ बाइंड हो चुकी हैं, तो वॉशिंग में कुछ भी वॉश ऑफ नहीं होगा. अगर एंटीबॉडीज के स्पेसिफिक नहीं थी तो एंटीबॉडी जो है वो धुल जाएंगी, वो चली जाएंगी. ठीक है, वो वेस्ट हो गया. प्लेट ली, उसके अंदर हमने इथेनॉल डाला, हिलाया और गिरा दिया. अब अगर एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन हो चुकी है तो एंटीबॉडी वॉश ऑफ नहीं होंगी. अगर नहीं हुई है तो एंटीबॉडी सब गई पानी में, इथेनॉल के साथ गई. ऐसे में इफ एंटीजन इज स्पेसिफिक टू एंटीबॉडी और नॉट स्पेसिफिक टू एंटीबॉडी, मतलब यहां पर तो इंटरेक्शन हो रही है, सो दिस विल बी अ कंडीशन ऑफ समथिंग लाइक दिस. लाइक दिस, ये कंडीशन नंबर वन. और कंडीशन नंबर टू, और एंटीबॉडी जो है वो वॉश ऑफ में चली गई. ये एंटीबॉडी यहां प्लेट से निकल गई बाहर. तो होगा क्या, अब हम क्या करते हैं, अगला प्रोसेस आता है
यहां अब आता है रिपोर्टर एंजाइम का काम। रिपोर्टर एंजाइम क्या है? यह एक मेटाबॉलिक एंजाइम है जो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कर सकता है। और अब हम डालते हैं इसके अंदर अगला हमारा एक और प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट इज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। हमने इसके अंदर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाला। अगर एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन हुई है तो हमें एक कलर मिलेगा, और वो कलर मोस्टली क्या होता है? ब्लू होता है। ब्लू कलर बिकॉज ऑफ सबस्ट्रेट ब्रेक। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, रिपोर्टर एंजाइम एंटीबॉडी के साथ जुड़ा हुआ था, एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जुड़ी हुई थी, वॉशिंग में एंटीबॉडी कहीं नहीं गई, ये कंडीशन बनी हुई है, और ये रिपोर्टर एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करके हमें ब्लू कलर दे देगा। दिस इज कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर टू, नॉट अ स्पेसिफिक, यानी यहां पर एंटीबॉडी वॉश ऑफ हो चुकी है। एंटीबॉडी वॉश ऑफ हो चुकी है तो जो ये एंजाइम है यह भी वॉश ऑफ हो चुका है। कितना भी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालो, ब्रेक डाउन नहीं होगा और हमें ब्लू कलर नहीं मिलेगा। नो कलर सीन। तो अगर हमें कलर दिखता है तो प्रूव होता है कि एंटीजन, जिस एंटीजन को हम ढूंढ रहे थे वही सेम एंटीजन प्रेजेंट है। और अगर कलर नहीं मिलता तो हम ये मान सकते हैं कि जिस एंटीजन को हम ढूंढ रहे थे वो पैथोजन जिसको हम ढूंढ रहे थे एंटीजन की हेल्प से, वो पैथोजन प्रेजेंट नहीं है। समझ गए बच्चों? अब अगर प्रेजेंट नहीं है या प्रेजेंट है, इन चीजों से हमें अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। ठीक है, कि इतना कम कंसंट्रेशन में पैथोजन है कि वो सिम्टम्स नहीं दे रहा बट प्रेजेंट है और आने वाले टाइम में सिम्टम दे सकता है, तो उससे पहले जब वो नुकसान करना शुरू करे, क्योंकि सिम्टम हमेशा बॉडी में नुकसान की वजह से आते हैं, कि जब वो सिम्टम देना शुरू करे, नुकसान करना शुरू करे, उससे पहले ही हम उसके प्रिवेंटिव मेजर्स ले सके। ठीक है, सो ये एलाइजा। ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की दो ही टेक्निक्स आपके पास, आरटीपीसीआर मैंने अलग से सिर्फ इतना सा बताया आरटीपीसीआर में, क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा, आज तो नहीं हो पाएगा, चलो हम छोटी सी बात कर लेते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में कुछ सिंपल जानकारियां हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्टिंग इसकी 1960s में हुई थी। ठीक है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर विच इज इन इंडिया कौन है? एमएस स्वामीनाथन। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, और वर्ल्ड लेवल पे ये कौन है? ये इनका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग। प्रोड्यूस क्या किया गया था? तो ये उस टाइम पर बायोटेक्नोलॉजी प्रेजेंट नहीं थी, सो जो प्रोडक्शन थी वो टोटली बेस्ड थी ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे, और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सेमी ड्वार्फ वैरायटीज प्रोड्यूस की गई थी, और सबसे पहली वैरायटी का नाम था सोनालिका, जो पढ़ेंगे हम 9th चैप्टर में। ठीक है मेरे बच्चों, सो यहीं से आपका जो चैप्टर है ये बिल्कुल एंड की तरफ, कल के रहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और इसके साथ साथ रहते हैं एथिकल इश्यूज। ये दो टॉपिक हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्या है, जो इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं ना, वो बीटी कॉटन और आरएनए आई से आते हैं। किधर से?
बीटी कॉटन और आरएनए आई से। तो ये टॉपिक जो है जल्दी से हम कल खत्म करने की कोशिश करेंगे। और आज है थर्सडे, कल फ्राइडे, परसों बच्चों आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो कल अगर इस चैप्टर में से आपकी कोई प्रॉब्लम्स भी है, हम उनको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, और वरना ये चैप्टर भी है कल खत्म हो जाएगा। सो बच्चों, बाय बाय फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।